वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने एप्लीकेशन बायजू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट इंटीम एडमिन सेंटर में पुश करवाई है वो उसको हम किस तरह से अवेलेबल कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटीम एडमिन सेंटर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटीम एडमिन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद अपने ऐप्स में आ जाना है और ऐप्स में आने के बाद हमने विंडोज में आ जाना है और यहाँ पर बेसिकली हमारी ये रीडर एप्लीकेशन है जो हम बायजू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस यहाँ पर लेकर आए हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। मैनेज में हम इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके हमने असाइनमेंट्स में आ जाना है, इस पर एडिट पर क्लिक करना है और बेसिकली हमने इस अपनी एप्लीकेशन को अवेलेबल करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल फॉर एनरोल्ड डिवाइसेस में आएंगे और यहाँ पर हम ऐड ग्रुप में क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सेल्स ग्रुप ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और रिव्यू पर सेव करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी विंडोज 10 डिवाइस पर मूव करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम कंपनी पोर्टल को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में हम आ जाते हैं और हम इसको सिंक करवा लेते हैं। जैसे ही हमारे सिंक प्रोसीजर कंप्लीट होता है उसके बाद हम जाके चेक करते हैं क्या हमारी वो एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल हो गई है या नहीं हुई है। हमारा मैनुअल सिंक प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम दोबारा से होम पेज पर आते हैं और यहाँ पर हम ऐप्स में बेसिकली इसको चेक कर लेते हैं। अभी तक हमारी वो एप्लीकेशन यहाँ पर शो नहीं हुई है, उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी रीडर एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है और अब हमने इसको बेसिकली इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम अपनी इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये इसकी कम्प्लीट हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और सिंपली हमने यहाँ पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंटीम एडमिन सेंटर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी इस विंडोज 10 डिवाइस पर लेकर आएगा और फिर इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। अब ये हमारी डाउनलोडिंग की तरफ जा रही है, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक हम वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी अभी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी तो इसकी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो बेसिकली इस तरह से हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं।